नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐसा बहुत सा कमेंट आ रहा था कि एक हमारे पास माउसपैड है, उस जोन पे टॉप और एक जोन पे बेस कैसे चलाएं। तो इसी मैटर में आज हम बात करेंगे, जिसमें हमने एक कमेंट लिया है। यहाँ पर आप कमेंट देख सकते हैं, LX4500, इसमें 650 वाट का दो बेस और 800 वाट का दो टॉप चलेगा क्या, इसके बारे में वीडियो बनाइए। और ये एक ही कमेंट नहीं है, बहुत सा कमेंट है कि LX4500 में 810 के दो टॉप और 650 वाट का दो बेस या कोई भी अदर ब्रांड का टॉप या बेस किस प्रकार से चलेगा, वायरिंग कैसे करना है। रहने के लिए एकदम सिंपल है दोस्तों, लेकिन वायरिंग करने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एक जोन पे बेस और एक जोन टॉप चलता है। तो आइए बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले छोटा छोटा हम टेक्निकल डिटेल्स पर ध्यान देते हैं। जैसे कि XPX 810 या फिर 800, इन दोनों का जो टेक्निकल डिटेल्स है सेम है, क्योंकि सेम ही स्पीकर सिस्टम लगा हुआ है, एक पेंट बॉडी में आता है, एक नॉर्मल है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं 800 का स्पेसिफिकेशन लिया हूँ यहाँ पे, और 810 का कैबिनेट यहाँ पे शो हो रहा है। तो 800 वाट का टॉप है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी मिल जाता है। बेस की बात करें तो HWX 1300DX, यहाँ पे भाई ने 650 का दो बेस बोला है, लेकिन मैंने यहाँ पे डुअल एक पीस लिया है HWX 1300DX, क्योंकि इसमें भी 650 वाट का दो स्पीकर ही लगा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे 1300 वाट इसका RMS पावर हो जाता है, काफ़ी अच्छा बेस होता है इसमें, क्योंकि फ्रंट कैबिनेट है और डुअल बेस है, तो वाइब्रेशन के साथ साथ पंच भी अच्छा मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं एम्पलीफायर के बारे में। तो इन दोनों सिस्टम के लिए मैंने, स्पीकर सिस्टम के लिए ये एम्पलीफायर डिसाइड किया था LX4500, और कमेंट में भी यही है। तो यहाँ पे टॉप चलेगा, तो 2 ओम पे इसका आउटपुट आप देख सकते हैं 2250 वाट पर चैनल इसका आउटपुट है, और यहाँ पे बेस भी चलेगा एक जोन पे, तो 1550 वाट आउटपुट इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि वायरिंग हमें किस प्रकार से करना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका एक एम्पलीफायर है, तो एक जोन पे बेस चलेगा, दो बेस, या फिर आप कह सकते हैं कि एक सिंगल बेस जो कि डुअल के होने वाले हैं, और एक चैनल पे दो टॉप रहेगा। तो इसका सिंपल वायरिंग है, लेकिन वायरिंग को करते समय एक चीज़ ध्यान में रखना होगा आपको, वो ये है। चलिए हम सबसे पहले एम्पलीफायर का बैक पैनल देख लेते हैं। तो बात करते हैं एम्पलीफायर के बैक पैनल की। तो यहाँ पे आपको दो टर्मिनल्स मिल जाते हैं, चैनल ए और चैनल बी के लिए, या फिर आप स्पीकर कनेक्टर से भी चला सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे टर्मिनल से वायरिंग आपको समझाते हैं। तो मान लीजिए चैनल ए पे हमने यहाँ पे बेस लगाया है, तो बेस का प्लस माइनस यहाँ पे आपको लगा के वायरिंग कर लेना है। उसी प्रकार टॉप का आउटपुट यहाँ पे चैनल बी से निकाल के दोनों टॉप में कनेक्शन कर देना है, जो कि पैरेलल कनेक्शन होगा। अब इस प्रकार से आपका वायरिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिस चैनल पर आप बेस चला रहे हैं अगर उसको आपको सबवूफर में चलाना है, तो आप क्रॉसओवर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एम्पलीफायर में फेस प्रॉब्लम देखने को मिलता है, एक ही चैनल पे एक बेस और दो टॉप लगाने से, एक ही चैनल पे एक बेस चलाते हैं और एक चैनल पे दो टॉप लगाते हैं, तो कभी कभी फेस प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए आप इसमें क्रॉसओवर लगाइए अगर आपको सबवूफर में बेस को चलाना है, तो नहीं तो आप क्रॉसओवर ऑफ रखिए, दोनों चल कर काफ़ी अच्छे से चलेंगे। एकदम सिंपल सेटिंग है, लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ पर आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सिंपल ट्रिक है लेकिन काफ़ी अच्छा है। एक बार आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, और एक बार घर में आप अपना ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आपके पास इस प्रकार का सेटअप है तो काफ़ी तगड़ा चलेगा। छोटा सा वीडियो है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लाइक करते जाना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और हाँ दोस्तों, इस सेटअप का साउंड टेस्टिंग जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि पिछला वीडियो मेरा आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे या फिर यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इस वाले वीडियो का। उस वीडियो में मैंने आपको LX4500 पर एक 650 का डुअल बेस और दो टॉप चला के दिखाया है। टॉप वहाँ पे छोटा लगा हुआ है, लेकिन आप 800 वाट या 1000 वाट तक का टॉप आप इसमें एक चैनल पे दो पीस चला सकते हैं, काफ़ी अच्छे से चलता है, नो प्रॉब्लम। तो वहाँ पे आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका साउंड टेस्टिंग मिल जाएगा, काफ़ी लंबा साउंड टेस्टिंग है, तो आप एक बार देखिए वहाँ पे। तो यही था दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो एक कमेंट के ऊपर। तो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, नए कमेंट का आंसर के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।